नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुँचे हैं बीके हॉस्पिटल। और आपको बता दें, कल भी हमने आपको एक खबर दिखाई थी बीके से ही, जहां मेरठ की लड़की थी और फरीदाबाद में शादी हुई थी, फरीदाबाद में ससुराल में उसकी डेथ हो जाती है। और आज परिवार के सभी लोग यहां पहुंचे हैं, एक बार बात करेंगे। कौन बताएगा मुझे, आप बता दें क्या नाम आपका? राहुल नाम है। राहुल, आप भाई हैं जी? राहुल जी, क्या हुआ था और कब शादी हुई थी, क्या भैया? साल 2015 में शादी हुई थी, उसके बाद से किसी ना किसी बात को लेके खटपट खटपट रहती थी। हम अपनी बच्ची को समझाते कि बेटा नहीं नहीं, रिश्ते में शादी में ऐसा होता रहता है, थोड़ा अपना बातचीत अपना करते रहो, थोड़ा सा समझते रहो रिश्तों को, नई नई रिश्तों में ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन हमें नहीं पता था कि कहानी इतनी नेगेटिव जा रही है। हम समझाते थे, बच्ची हमारी समझ जाती थी, अपने घर परिवार को देख के, बच्चों को देख के हमसे कई बार कहने लगी कि भैया ऐसे ऐसे बात है, अगर मैं अपने बच्चों को ना देखूं तो मैं मेरठ आ जाऊं, मैं इस आदमी के साथ में नहीं रहना चाहती। मैंने कहा नहीं बेटा, समाज है, अपना बच्चे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, ऐसी छोटी मोटी बातें घर गृहस्थी में चलती रहती है, निभाने की कोशिश करो। निभाती थी बच्ची, अपना करती रहती थी। लास्ट अभी परसों की बात है, 20 तारीख की मेरे पास बच्ची का फ़ोन आया, मैं कहीं बैठा हुआ था, नहीं उठा पाया। मैंने कहा बेटा मैसेज में बात कर लो, मैंने उससे मैसेज में बात करी, बहन ने मेरा हालचाल पूछा कि भैया कैसे हो, मैंने कहा ठीक है बाबू, फिर तो मैंने कहा ठीक है, कह रही कितनी देर में अपना फ्री हो गया, मैं बेटा थोड़ी देर में निकलूँगा, मैं निकल के बात करता हूँ। मैं वहाँ से निकल के इतने में घर पहुँचा हूँ तो पता चला कि ऐसी खबर आई कि उसने अपना आत्महत्या की कंडीशन में, हमें जैसा बताया गया उस सिचुएशन में हमें मिली। तो मेरी भैया इकलौती बहन थी, शादी फरीदाबाद में हुई थी। क्या नाम था? प्रिया नाम। उम्र 30 साल। और जिसके साथ शादी हुई थी उनका नाम रवि, रवि नाम। तो अब क्या क्या कह रहे हैं आपको, क्या लगता है, आप आए तो आपको क्या देखा आपने? क्या मैं 3 दिन से घर में कुछ खटपट चल रही थी किसी बात को लेके, एक कुछ संबंध के ऊपर बात हो रही थी, जिसके प्रति हमारा बहन जो है उसको मना कर रही थी कि भाई ये चीज़ें सही नहीं है, आप ऐसा नहीं करो। वो नहीं चाहती थी कि ये उस गलत संबंध की तरफ जाएं और वो संबंध स्थापित करें। हमें 3 दिन से जो उससे सूचना मिली थी, मैंने कहा नहीं बेटा ऐसा नहीं करेंगे, वो भी घर परिवार वाले हैं। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कंडीशन कितनी बुरी थी या किस हद तक चल रही थी, ये नहीं पता। बाकी जिस दिन उसकी मृत्यु हुई उस दिन तो हमें ऐसी कुछ बात सुनने को नहीं मिली। अब एकदम से ऐसी घटना हमारी बहन के साथ हुई है तो हम तो नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब इतना कदम उसने क्यों उठा लिया और उसे किस हद तक मजबूर किया गया है, किस हद तक मानसिक दबाव में वो थी जो उसने ऐसा स्टेप किया, हाँ करवाया गया है या किया है, उससे हम बिल्कुल परिचित नहीं है। तो इसलिए हमने ये स्टेप लिया है कि इस मामले की सख्त से सख्त जांच हो और वो वजह निकल के हमारे सामने आए और जो भी दोषी है उसको सख्त से सख्त सजा मिले। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है। जी फोटो होगा प्रिया का, एक बार फोटो को दिखा दें। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं, परिवार के लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये देखें, ये फोटो है प्रिया की, ये देख सकते हैं। ये प्रिया की फोटो है जिसकी ससुराल में डेथ हो जाती है और यहाँ फरीदाबाद में कहाँ, सेक्टर 46 में? जी सेक्टर 46 में रहती थी। हाँ जी। तो उसके ससुर? नहीं, ससुर तो साल से पहले एक्सपायर हो गए थे और सास को अभी 4-5 साल पहले ब्लड प्रेशर की वजह से अटैक आया था। तो यहाँ रहता कौन? वो रहते थे और उनके देवर और देवरानी, उसी घर में जिस घर में बहन रहते थे। हाँ, मतलब ये पहले से ही चला आ रहा है कि ये परेशान करता था और क्या? हाँ, छोटी मोटी किसी न किसी बात पे रहती थी, कुछ मेरी शादी पे भी कुछ चीज़ों की मांग की गई मेरी शादी को देखते हुए कि भाई कि आपके भाई को तो ये मिला और मुझे भी ये चाहिए और मुझे भी वो चाहिए, उल्टी सीधी। बाकी 8-10 साल हो गए, 8-10 साल से हम कर ही रहे हैं, जो भी त्यौहार होते हैं, जो भी मौके होते हैं खुशी के, उन पे हम अपना हर त्यौहार पे हम करते आए हैं,
जितनी हमसे हमारी सामर्थ्य है उस असामर्थ के अनुसार हम करते आए हैं, लेकिन फिर भी इनकी कुछ ना कुछ डिमांड रहती थी अपनी ऊपर से। तो अब क्या चाहते हैं प्रशासन से, क्या कहना चाहते हैं? यही चाहते हैं कि सख्त से कार्रवाई हो और वजह निकल के हमारे सामने आए और हमारी बहन को न्याय मिले। तो परिवार अब देख सकते हैं कि परिवार न्याय की मांग कर रहा है कि कैसे भी इसमें निष्पक्ष रूप से जांच हो और जिसने भी प्रिया के साथ ऐसा किया है, प्रिया को मारा है या प्रिया ने खुद फांसी लगाई है, वो सामने आए निकल के, और जो अगर कोई दोषी है तो उसको भी सजा मिले। और पूरा परिवार देख रहे हैं, पूरा परिवार यहाँ पहुँचा है, ये देख सकते हैं सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। जब हमारा बच्चा चला गया हम किसके बच्चों को देखे, जब हमारा बच्चा, हम बच्चों की सोचती है तो अपनी बेटी को छोड़ रखा था हमने, इतनी बार इनको माफ किया, इतनी बार इनसे हाथ जोड़े पैर पकड़े, मेहमान जी कोई बात नहीं, बच्ची आपकी है, परिवार खराब हो जाएगा। जब हमारी बच्चे ले, अब किसके बच्चों को देखे हम? एक छोटा सा बच्चा पाल के हमने बड़ा करेंगे, इनको दे दिया, आज वो हमारे बीच नहीं। आज हमें पता 3 दिन से हमारी बेटी की हम मुट्ठी खराब हो रही, 3 दिन हो गया उसको, परसों रात को दीजिए, कल का दिन, परसों गया, आज गया और कल गया, पूरे 3 दिन खराब हो चुके हैं। अब भी कोई काम यहाँ फास्ट फॉरवर्डिंग नहीं हो रही, 3 दिन हो चुके, 3 दिन हो चुके हमारी बेटी को, जी तो सोच 3 दिन हमारी बेटी क्या मुट्ठी खराब हो रही है हमें पता ना। ये जो हमसे बार बार हम पे प्रेशर बनाया जा रहा है, निजी राजीनामा कर लो, कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं, क्या नहीं, हमें वजह दे दो, हमारी बेटी क्यों मरी है। कौन प्रेशर कौन बना रहा है? ये लड़के पक्ष वाले, पड़ोसी, अच्छा। मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, ये सारे इस तरह प्रेशर बना रहे हैं, नहीं कोई बात नहीं, हम आपका पेट भरेंगे। क्या पेट भरोगे आप हमारा? किस तरह पहले लड़की पर प्रेशर बनाते थे, अब प्रेशर बना रहे हैं। हाँ, अभी कल से जहाँ भी हम, हमारी फैमिली खड़ी होती है, जब हम आपसे एंट्री का, हमारे पास आके क्यों खड़े हो रहे हो? जब हम आपके पास नहीं आ रहे, अब हमारा बच्चा गया कि हम कार्रवाई भी ना करें? जा तो आप हम सबसे कह दो आप चले जाओ, हम जो हमका बेटी को फूंक भी देंगे, सब कुछ करने का आपका मतलब, हम चले जाते हैं, हमें धक्का दो यहाँ से। बिल्कुल, कैसे हुआ? पता ही नहीं क्या हुआ है। इसके घर वाले ने, ऊपर देवर रहता है, जब तू अपने बच्चों को लेके गया है तो तेरे को कैसे पता लगी? उनने गेट बंद कर लिया, बच्चों को घुमाने मॉल में लेके गया तो तेरे को कैसे पता लगी? गेट खोल, उससे कह रहा है देवर से फोन करके, तू गेट खोल के देख क्या बात है, गेट खोला है तो पता पड़ी नो के वहाँ का तो गेट खुला है, वो तो फांसी पे लटक रही है। ताला किसने लगाया था? ताला किसने लगाया? ताला जब हमें नहीं पता, जब हम आए थे वहाँ ताला लगा था, पुलिस आ रखी थी, ताला लग रहा था, ताला लगा हुआ था कमरे का। तो जब ताले की चाबी मांगी गई तो वो एक्सक्लूसिव से ही मांगी गई, जबकि चाबी पुलिस के अंडर होनी चाहिए, तो चाबी एक्सक्लूसिव से मांगी गई, क्यों मिल गई है? ना वहाँ कोई सुसाइड नोट है लड़की का हमारा, ना ये हमें कोई वजह दे पा रहे हैं कि हमारी लड़की इस वजह से मरी है। तो हमें कोई वजह तो, जब हमारे बेटे से 1 घंटे पहले बच्चे ने बात करी हो, मैं नहीं मानता वो 1 घंटे में बच्चा फांसी खा लेगा, कोई वजह होगी तो वजह आप हमें बताते क्यों नहीं हो? बिना वजह कोई फांसी लगा लेगा? बिना वजह कोई फांसी लगाने का? उसके इतने इतने से बच्चे हैं, उसका 4 साल का बेटा हो, 8 साल की बेटी हो, जो बच्चों से जान पड़ती हो, बोलता भी नहीं, मेरा बच्चा बोलता भी नहीं, और फांसी ऐसे नहीं लगा लेता कोई भी, ऐसे कोई भी ऐसे नहीं मरता, लगाई जाती है फांसी भी। हमेशा कहे कि हो सकता है वो सुसाइड नोट छोड़ के गई हो और छुपाए जा रहे हैं शायद हमसे, हमें ऐसा नहीं, तुमने फांसी पे तो उतार तो लिया, गले की रस्सी तो निकाल दी तुमने, उसके लड़की के पैर भी सीधे नहीं हुए, तुमसे ऐसी घेर दिया जानवरों की तरह से, बिल्कुल इतनी बेगौरी से ऐसे घेर दिया। वो भी सामान है मेरा ये बच्चों के लिए, ना ये करा कि चलो हम डॉक्टर के दिखाए, पूछे कि क्या हो गया, कुछ भी नहीं, बस ऊपर से उतार के पैर मुड़े हुए हैं तो पैर मुड़े हुए हैं, ऊपर रस्सी तो लटक रही है, गले की रस्सी कहाँ गई फिर? अगर जो उन्होंने लगाई थी, बच्ची की मुट्ठी बंद हुई हुई है, तुम पर सीधी भी नहीं हुई वो लड़की, कार्रवाई नहीं हो रही, अगर सख्त कार्रवाई होगी तो सब बोलेंगे, इतना बुरा हाल कर दिया, और तुम फिर ये कह रहे हो कि वो कर रखा है इन्होंने। क्या लगता है जी ये कि जरूर साजिश है कुछ के इसके साथ? उन्होंने मारा है, मार के लटका है और झूठ बोल रहे हैं, फांसी लगा ली है। हम ये कहते हैं अगर उन्होंने नहीं मारा, लड़की खुद खत्म हुई है, तो कुछ तो वजह होगी, हमारी लड़की खुद खत्म हुई है, कुछ तो वजह हुई है, ऐसे थोड़ी ना बेवजह कोई अपनी जान नहीं देता, अपने बच्चों को बेवजह कोई नहीं छोड़ता, छोटे छोटे बच्चों को कोई नहीं छोड़ता, अपनी माँ अपने हाथों से रोटी खिलाया करती थी, 1 घंटे तक बच्चों को ऐसी होती है, चाहे अपने 1 घंटे में बच्चों को रोटी खिलाया करती थी, वो अपने बच्चों को कैसे छोड़ के जाएगी, कैसे छोड़ के चली जाएगी, अपने बच्चों को कैसे छोड़ के? बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है। मंदिर में जाकर ऐसे शंकर भगवान जी की शिवलिंग को पकड़ के रो रही थी मेरी बच्ची, पड़ोसियों का कहना है कोई तो बच्चा होगी जो ऐसे रो रही थी, उसको कोई अपना नहीं लग रहा था, मेरे दुख को देख के उनने शायद मुझसे नहीं कहा कि मेरी माँ मेरे पापा की वजह से परेशान है, मेरी वजह से इसने अपना दुख नहीं बांटा, मेरी बच्ची ने मेरे से दुख नहीं बांटा अपना, मैं कहाँ से लाऊं बच्ची, तुझे अपने मेरे
बच्चे, मैंने बड़े परेशानियों से अपने बच्चे पाले थे शुरू से। मैं बहुत गरीब नहीं औरत, मैं अपने बच्चों के मारे जीती मरती। मेरे बच्चे नहीं है, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची। पिता की भी डेथ अभी हुई है, पिता की भी डेथ है ना। तो फरीदाबाद आप देख सकते हैं परिवार न्याय की मांग कर रहा है, और देखते हैं इसमें क्या कार्रवाई होगी, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।